शुभनीत जी की बात कही तो पहले मैं वो आपको क्लियर कर दूं। जाहिर सी बात है कि प्यार लेने का काम किया जाता है तो भारत के नागरिक छप्पर फाड़ के प्यार देते हैं, और अगर तो आपकी तरफ से गलती होती है तो थप्पड़ मार के बेइज्जत करना भी हमें आता है बहुत अच्छे तरीके से। G20 की मीटिंग में इन सारे मुद्दों को जब मोदी जी ने, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने जस्टिन ट्रूडियो को बहुत मोहब्बत से, बड़ी मिठास से इनको समझाया, तो इनको इनकी इनको मीठी बात समझ में नहीं आई। और जब इनको मीठी बात समझ में नहीं आई तो फिर हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने इनको बताया कि भैया हम सनातनी जरूर हैं और पक्के सनातनी हैं, इसलिए हमें कमजोर मत समझना। पाकिस्तान से अभिनंदन को बुलाने में हमें सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे लगे थे, और नाम शोहरत सब कुछ भारत से कमाएंगे और भारत के खिलाफ बोलने वाले को फंडिंग करेंगे, तो इसलिए इनको जमीन पर हमने सिर्फ 4 घंटे पर उतार करके इनसे माफी तो मंगवा ही ली। ये है भारत का करिश्मा। अब देखिए ना, मात्र 22 मिनट पहले वो डिमांड कर रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडियो संभाल नहीं पा रहे हैं चेयर, वो टेररिस्ट को हवा दे रहे हैं और उनको डिमांड किया जा रहा है उनसे कि आप रिजाइन कर दें। कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री, ये जो USD 4.1 बिलियन है, ये अभी तुरंत हो सकता है कि आज रात में या सुबह में नोटिस भेज देंगे कि भाई ये पैसा तो मुझे रिटर्न। सिंह की बात करें, उन्हें भी बहुत ज्यादा प्यार दिया गया, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया। दिनों में उनके व्यूअरशिप, उनके जो फैन फॉलोइंग है इंडिया में बहुत बड़ी, लेकिन उनकी एक पोस्ट की वजह से, एक गलती की वजह से वो कहां से कहां चले गए और अब उन्हें सॉरी करनी पड़ी है बकायदा तौर पे। ये शायद आप तक न्यूज पहुंची हो या नहीं, लेकिन हम आपको ये न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि शुभनीत सिंह ने बकायदा तौर पे अभी ये स्टेटमेंट दी है, अभी ये पोस्ट की है सॉरी की। इसके ऊपर बात करेंगे, कनाडा इंडिया के जो कंफ्लिक्ट चल रहे हैं उस हवाले से बात करेंगे और भी बहुत सी बातें करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं नाजिया इलाही खान, तारुफ की मोहताज नहीं है। स्टार्ट करते हैं इनकी तरफ से। हेलो नाजिया जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नाजिया जी। जो मैंने स्टार्ट किया, जिन चीजों पे हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, शुभनीत सिंह के बारे में बात की। आप ये जो सारा इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेंडिंग चल रहा है, कनाडा का इशू और ये सब चीजें, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, आपने शुभनीत जी की बात कही तो पहले मैं वो आपको क्लियर कर दूं। जाहिर सी बात है कि प्यार लेने का काम किया जाता है तो भारत के नागरिक छप्पर फाड़ के प्यार देते हैं, और अगर तो आपकी तरफ से गलती होती है तो थप्पड़ मार के बेइज्जत करना भी हमें आता है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये छप्पर और थप्पड़ का जो है, ये तय सामने वाले को करना पड़ता है कि सामने वाले को क्या चाहिए हमसे। ठीक है, ठीक है, अब ऐसी बात है कि सॉरी तो इन्होंने कह दिया है, पर गलतियां ऐसी है कि मैंने पहले भी कई बार इस बात को मेनस्ट्रीम मीडिया पर रखा था कि बॉलीवुड में या पॉप सिंगर को भारत में बुला करके उनके कार्यक्रम की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी भारत में बहुत अच्छे अच्छे गायकार हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत गायकार हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है। अब ऐसा है कि बेचारी ये कैनेडा के खालिस्तानी जो सिंगर है, इनको ये कहीं ना कहीं मन में आ गया था कि ये इनको भारत के नागरिक ने जिस तरह से सर पर बिठाया है तो ये कुछ भी कर लेंगे और किसी को भी सपोर्ट कर देंगे और कमाएंगे भारत से, और नाम शोहरत सब कुछ भारत से कमाएंगे और भारत के खिलाफ बोलने वाले को फंडिंग करेंगे, तो इसलिए इनको जमीन पर हमने सिर्फ 4 घंटे पर उतार करके इनसे माफी तो मंगवा ही ली। ये है भारत का करिश्मा। अब देखिए ना, याद आ जाना चाहिए अभिनंदन वाली बात कि कैसे पाकिस्तानियों को फड़फड़ा करके हमारे अभिनंदन को छोड़ना पड़ा था, तो वैसा ही है करिश्मा। अब आपने कनाडा की बात छेड़ी है तो मैं आपको, पहले तो मैं अपने अंदाज में आपको बताना चाहूंगी और फिर मैं जाऊंगी पूरे लीगल फैक्ट्स पर, ताकि दोनों तरीके से, पॉलिटिकल फैक्ट, लीगल फैक्ट और एक नॉर्मल भारत का नागरिक किस अंदाज में इस चीजों को देख रहा है, इस सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को, इस सारे डिस्प्यूट्स को देख रहा है, वो तीनों मुद्दे मैं आपके सामने रख दूंगी। ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिन ट्रूडियो ने ना पाकिस्तानी के बिलावल का झूठा पानी पी लिया है। यही रीजन है कि बड़ा बड़ा कलेजा कूट रहे हैं, पीट रहे हैं, रुदाली की तरह रो रहे हैं कि हमें तो भाई खालिस्तानियों को ही बड़ा सपोर्ट करना है, और हमारे भारत में
डॉक्टर जयशंकर जी हो, अजीत डोवल जी हो, या भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हो, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा हुआ है कि टेररिज्म फैक्ट्रीज और टेररिज्म इंडस्ट्रीज जो कोई भी पैदा करेगा या उसको हवा या पानी देगा या उसको रोटी या बोटी देगा, हम ऐसे जगह से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। ये बात उन्होंने बार बार क्लियर की है। अब G20 की मीटिंग में जब ये बेचारे 9th और 10th सितंबर में जस्टिन ट्रूडियो साहब आए थे, तो बड़ी खूबसूरत से हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने इनकी क्लास लगाई थी और इनको बड़े मीठे अंदाज में इनको समझाया था। पर अब क्या किया जाए, समझ में इनको आई नहीं बात, इन्होंने कहा खालिस्तानियों के बारे में, तो इन्होंने अपने एक मुद्दे को रखा कि हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच का मान मर्तबा बहुत ज्यादा है। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर जब बात कर दी जाती है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच भारत के मुसलमानों से ज्यादा और कौन इसका लाभ उठा रहा है? अब फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता है कि कनाडा की सरजमीन पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री या हमारे ब्यूरोक्रेट या हमारे डिप्लोमेट या हमारे हमारी सुरक्षा एजेंसीज को डिफेम किया जाए, मलाइन किया जाए, उनको उनको गालियां दी जाए, इस चीजों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब आती हूं मैं कि हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी मौत 18 सितंबर 2023 को हुई थी, जी कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में हुई थी, उसके ऊपर मोर देन 1000 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर थे, और नॉट ओनली इन इंडिया, इवन इन कनाडा। क्योंकि ये जब कनाडा एंटर किया था, तभी ये फेक पासपोर्ट पर किया था, जिसके ऊपर कनाडा के लॉ डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर इम्पर्सोनेशन के केसेस डाले थे, और भी कई केसेस इसके ऊपर देश के विभिन्न देशों में इसके ऊपर फाइल फाइल थे। इवन 2007 से हरदीप सिंह की एक्टिविटीज को नोटिस करते हुए कई बार इस बात पर बातें उठी हैं, हमारे एनआईए ने, हमारे सुरक्षा एजेंसीज ने, हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने इस बारे में बात की है कि इसकी एक्टिविटीज भारत के खिलाफ बहुत ज्यादा निखर रही है, बहुत ज्यादा उभर रही है। अब थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंदिरा गांधी टेन्योर एक ऑपरेशन ब्लू स्टार फिक्स किया गया था, जिसमें खालिस्तानी की गहरेली सोच और इनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज को ऑफिसर गिल को ये पूरा काम दिया गया था कि उनको खत्म करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा। अब 1984 में जब ये जिम्मेदारी दी गई, तो 1984 में ही इंदिरा गांधी जी का देहांत कैसे हुआ, इन्हीं खालिस्तानियों के ग्रुप ने उनका मर्डर करवाया था। उसके एक साल के बाद 1985 में एक जेटलाइट एयरलाइंस आता था, जिस पर 229 लोगों को इन्हीं खालिस्तानियों ने मौत के घाट उतारा था। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने 2007 में एक बॉम्ब ब्लास्ट किया था, जिसमें 6 इंजोर्ड हुए थे और 42 लुधियाना और पंजाब के लोगों का मर्डर इन लोगों ने किया था। इसके बाद फिर इन्होंने इन खालिस्तानियों ने लंदन में जाकर के यहाँ के यूके डिप्लोमेट को मार डालने की कोशिश की थी। उसके बाद फिर इन्होंने यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस में, जहां पर बहुत इन्होंने भगदड़ मचाया था और बहुत क्रिमिनल एक्टिविटीज की थी, यहां तक के जो इंडियन एम्बेसी है उसको तोड़ने की कोशिश की थी। अब इसके बाद यूएस, इंडिया कॉन्सुलेट और सैन फ्रांसिस्को पर अटैक भी इन खालिस्तानियों ने किया था। इससे पहले इन्होंने क्या किया था कि फ्रांसिस्को में आग लगाई थी, यूएस ने इसको क्रिमिनल ऑफेंस कहा था, और यूएस ने इसी निज्जर पर और इसकी पूरी खालिस्तानी टेररिस्ट टीम पर बहुत सारे केस दर्ज किए थे। इसी खालिस्तानी टेररिस्ट ने ऑस्ट्रेलिया के इंडियन एम्बेसी से हमारे तिरंगे झंडे को नीचे उतार करके अपने खालिस्तानी झंडे को लगाया था। अब इसके बाद G20 की मीटिंग में इन सारे मुद्दों को जब मोदी जी ने, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने जस्टिन ट्रूडियो को बहुत मोहब्बत से, बड़ी मिठास से इनको समझाया, तो इनको इनकी इनको मीठी बात समझ में नहीं आई। और जब इनको मीठी बात समझ में नहीं आई, तो फिर हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने इनको बताया कि भैया, हम सनातनी जरूर हैं और पक्के सनातनी हैं, इसलिए हमें कमजोर मत समझना, पाकिस्तान से अभिनंदन को बुलाने में हमें सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे लगे थे। तो अब बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति इतना बड़ा क्रिमिनल है,
टेररिस्ट एक्टिविटीज करता है। 2020 में भारत ने एक गैजेट निकाला था जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिस इशू होता है और सारे देशों में जाता है उसको गैजेट कहा जाता है। एक गैजेट निकाला था, स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटली लीगल नोटिस इशू किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ भारत की तरफ से अगेंस्ट हरदीप सिंह निज्जर के, जिसमें ये बताया गया था कि हरदीप सिंह पर भारत ने 10 लाख रुपए इनाम रखा है जो कोई भी उसको अरेस्ट करके लेकर आएगा, क्योंकि 1000 से ऊपर उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस, मर्डर, इंपर्सोनेशन, डकैती, इंजरी, बहुत सारे केसेस उसके ऊपर दर्ज है। हालांकि 2020 में जस्टिन ट्रूडो को ये बात पता थी कि ये जो भारत गैजेट निकाला है इसमें बेइंतहा सच्चाई है, और क्योंकि कनाडा के डिप्लोमेट एंड लॉ डिपार्टमेंट से भी जस्टिन ट्रूडो को ये बात पता चल चुकी थी कि कनाडा में भी जस्टिन ट्रूडो के ऊपर 550 से ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, तब भी जस्टिन ट्रूडो ने इस बात को नोटिस ना करते हुए इस गैजेट को भी इग्नोर किया था और 10 लाख रुपए इनाम को भी इग्नोर किया था। अब आती है बात कि 4% पॉपुलेशन कनाडा में खालिस्तानियों की है। अब 5 MP डेमोक्रेटिक पार्टी के जस्टिन ट्रूडो को हेल्प कर रहे हैं, और इनका जस्टिन ट्रूडो का अभी मेन एडवाइजर बन चुका है जसमीत सिंह। जसमीत सिंह जो एक ऐसा इंसान है जो जस्टिन ट्रूडो के कान को बहका करके, उनको वरगला करके चाइना के खिलाफ कर रहा है, यूएस के खिलाफ कर रहा है, भारत के खिलाफ कर रहा है। और इसमें जो बिलावल का जो बयान आया है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, भैया हाफिज सईद रखने वाले तो खालिस्तानियों को, खालिस्तानी टेररिस्ट को तो सपोर्ट करेंगे ही, जरूर करेंगे। अब बात ऐसी आती है कि जस्टिन ट्रूडो को कौन समझाए कि मुसलमान सिर्फ वे सनातनी और हिंदू से नहीं लड़ता है या क्रिश्चियन से नहीं लड़ता है, मुसलमान मुसलमान को भी काटता है, मुसलमान मुसलमान से भी लड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिन ट्रूडो को मुझे एक बार पूरी पूरी कलामे पाक गिफ्ट करनी पड़ेगी कि बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर काविन का कत्ल उनके बगल के नमाजी किसी मुसलमान ने ही किया था, और पानीपत के मैदान में जो जंग हुई थी वो मुसलमान से मुसलमान की हुई थी। तो मुझे लगता है कि इतिहास, हिस्ट्री की किताब, इंडियन हिस्ट्री और कुरान पाक दोनों गिफ्ट करना पड़ेगा। 1 मिनट। और और अब इसके अभी क्या अलावा है, नाजिया जी, अभी भी रिसेंटली एग्जांपल अब मैं साथ ऐड करता चलूं, उसकी वजह यह है कि टॉपिक के साथ रेलिवेंट है। अभी ईरान और सऊदीया की फिर से कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो चुका है। चाइना ने कोशिश की थी कि कुछ ना कुछ मामला सॉल्व आउट किए जाएं, लेकिन अभी सऊदीया की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि अगर ईरान एटॉमिक पावर खुद को डिक्लेयर करेगा तो हमें भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा। मतलब और अफगानिस्तान पाकिस्तान के रिलेशन भी सबके सामने है। आज के दौर में भी हम आपस में लड़ रहे हैं और ये चीजें सबके सामने है। मतलब पुरानी एग्जाम्पल देने की जरूरत ऐसा नहीं, अभी हम यहां पे 10 एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये रेलिवेंट तो नहीं है, दिस इज कम्प्लीटली रेलिवेंट बिकॉज हम जस्टिन ट्रूडो के बारे में बात कर रहे हैं। एंड आई थिंक आपने जो भी कहा इररेलीवेंट है, डेफिनेटली नहीं रेलिवेंट, मैं रेलिवेंट। कह रहा हूँ रेलिवेंट है, रेलिवेंट है। मैं तो रेलिवेंट बोल रहा हूँ, इरेलीवेंट नहीं बोल रहा। आई हर्ड यू यू नहीं से नहीं नहीं रेलिवेंट मैं बोल डोंट रहा हूँ, टॉपिक पे गेट। रेलिवेंट है। तो दिस सिनेरियो हैज क्रिएटेड बाय जस्टिन ट्रूडो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा for his loss only, as per my opinion, as per my thinking, as per my perception, as a legal advisor, as a counsel, जो मैंने भारत के संविधान को पढ़ा है, जो मैंने कानून को पढ़ा है, इवन मैंने कई एक्सट्रेडिशन के केसेस देखे हैं, इंडिया से बाहर जाकर के मेरी कुछ पढ़ाई इंडिया से बाहर में हुई है, तो मुझे मेरे परसेप्शन के हिसाब से जो सिनेरियो जस्टिन ट्रूडो ने क्रिएट किया है वो अपने लॉस के लिए किया है। दिस सिनेरियो इज एनेक्शियस ओनली फॉर द जस्टिन ट्रूडो, दिस इज एबनॉक्शियस फॉर द भारत, क्योंकि उन्होंने एक एलिगेशन लगाया है हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर और डेथ का, वो भारत के ऊपर लगाया है, पर विदाउट एनी एविडेंस। हम पिछले 4 दिन से जस्टिन ट्रूडो से एविडेंस मांग रहे हैं और वो एविडेंस देने से अब कतरा रहे हैं। देखिए, मगरमच्छ की तरह आंसू बहा लेना और कलेजा कूट लेना, ये सब बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं। अब व्यक्ति या किसी भी देश का सिटीजन ऐसी चीजों को महत्व नहीं देता है इवन, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, अभी 39 मिनट्स पहले द सीनियर जर्नलिस्ट ऑफ कनाडा कोरी मॉर्गन ने भी यही बात कही है
क्रिस बैकबर्न तो जो जो कनाडा के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, 39 मिनट्स पहले उन्होंने भी कहा है, गुस्सा था जस्टिन ट्रूडो के ऊपर, और उन्होंने कहा है कि जो ब्लफ वो फैला रहे हैं, जो इल्यूजन पर वो स्टोरी बेस कर रहे हैं, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं नजर आ रहा है जब तक वो एविडेंस ना रखें। अब बात आती है कि क्या क्या नुकसान जस्टिन ट्रूडो को हो सकता है, ये चीज तो इस पर हाँ ये बहुत ही मैं इम्पोर्टेंट भी चीज। यही क्वेश्चन करने वाला था कि इससे मतलब ठीक है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं चल रहे हैं, मामला सॉल्व भी होगा, लेकिन अभी नुकसान या फायदा किसको और क्या होने वाला है? देखें, मेरे ख्याल से जो एक परसेप्शन बिल्ड की जा रही थी कि भाई इंडिया ने एक बहुत बड़े कंट्री से पंगा ले लिया, या इंडिया जो सा जो पाकिस्तान मीडिया में बताया जा रहा है, लेकिन मैंने थोड़ा सा डाटा कलेक्ट किया, उसके मुताबिक तो इंडियन बिजनेसमैन वहां से अपना जो सा बिजनेस वाइंड अप करते नजर आ रहे हैं, वहां से इंडियन जो सी यूथ है जो वहां पे स्टडी कर रहे थे वो ये कहते हैं कि भाई हम वापस जाने को तैयार है। नुकसान तो हमें हाँ का होता नजर आ रहा है। इसलिए मैं, जैसा कि सबको पता है कि मैं हमेशा सबूतों के आधार पर बात करती हूँ, मैं कभी भी मतलब ब्लफ और बिना विदाउट एनी प्रूफ मैं बात नहीं करती हूँ। देखिए मैं आपको बता सकती हूँ कि 2 दिन पहले हमारे डिप्लोमेट को कनाडा से निकाल दिया गया था, ठीक है, और उसके बाद फिर उसके दूसरे दिन 10:26 में कनाडा के डिप्लोमेट मैके जो है वो मिलने के लिए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में और बात करने गए थे। 10:26 में एंटर किए थे, 10:30 में चाचा मामू और नानी का रास्ता दिखा करके एकदम बोला गया चल पतली गली से निकल सिर्फ 4 मिनट में, और अल्टीमेटम दिया गया हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से कि 5 दिन का वक्त ओके है, भारत से निकल पड़ो। अब बात आती है कि उनकी ही अपनी पार्टी के, उनकी ही अपनी लिबरल पार्टी, जो लिबरल पार्टी ने कनाडा में जस्टिन ट्रूडो को हेल्प किया था, उनको वहां का इतना बड़ा चेयर दिया था, प्राइम मिनिस्टर बनाकर बैठाया था, मात्र 22 मिनट पहले वो डिमांड कर रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो संभाल नहीं पा रहे हैं चेयर, वो टेररिस्ट को हवा दे रहे हैं और उनको डिमांड किया जा रहा है उनसे कि आप रिजाइन कर दें। ठीक है, द एंटायर अनरियलिस्टिक ड्रामा ऑन इल्यूजन स्टोरी क्रिएटेड बाई द जस्टिन ट्रूडो अगेंस्ट माई भारत कांट बी फ्रूटफुल, एक्चुअली कांट बी फ्रूटफुल। एनीवेज, जी जस्टिन जी ट्रूडो क्या क्या नुकसान में जा सकते हैं, क्योंकि बायलेटरल और ट्रेड के रिलेशनशिप जो हैं वो पिछले 9 साल में काफी इंप्रूव हुए हैं, काफी इंक्रीज हुए हैं, काफी डेवलप्ड हुए हैं। रिसेंटली जो है जस्टिन ट्रूडो जो है वो 4.1 बिलियन 2022 और 23 में हमारा पैसा लेकर के बैठे हुए हैं। ठीक है, द एक्सपोर्ट गुड्स इंक्लूड्स फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स, ज्वेलरीज, टेक्सटाइल्स एंड मशीनरी, वाइल इंपोर्ट्स $4.6 बिलियन इंक्लूड पल्सेस, टिम्बर, पल्प एंड पेपर एंड माइनिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। अब बात आती है कि आज जो लिबरल पार्टी ने 22 मिनट्स पहले उनकी उनसे डिमांड किया है उनके रेजिग्नेशन का, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री, ये जो $4.1 बिलियन है, ये अभी तुरंत हो सकता है कि आज रात में या सुबह में नोटिस भेज देंगे कि भाई ये पैसा तो मुझे रिटर्न अभी इसी वक्त 5 मिनट के अंदर चाहिए। तो इसलिए लिबरल पार्टी जो है वो थोड़ी सी परेशान हो रही है कि जिस भारत के को सर्वप्रथम हर एक इंसान उसको अपने एक्वेंटेंस में, अपने अपने साथ अपने बायलेटरल रिलेशन में रखना चाहता है, चाहे वो US हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे वो दुबई हो, अमेरिका हो, सिडनी हो, तो ऐसे सिचुएशन में जब भारत इतनी ज्यादा तरक्की में है और आने वाले 8 7 8 महीने में इकोनॉमिकल ग्राफ में थर्ड पोजिशन पर आने वाला है, और जितने वर्क हैं, जितने एफर्ट्स हैं, जितने प्रोजेक्ट्स हैं, उनको देखने पर ये फील हो चुका है बाकी देशों को कि आने वाले 7 8 महीने में हम थर्ड नंबर इकोनॉमिकल ग्राफ में पहुंच जाएंगे। तो ऐसे क्रिटिकल सिनेरियो और सिचुएशन में लिबरल पार्टी ये कभी नहीं चाह रही है कि हाँ, कि कैनेडा भारत से थोड़ा सा भी अलग हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ा झटका कैनेडा को लगने वाला है। अब उन्होंने एक बात उठाई जस्टिन ट्रूडो ने कि इंडिया इंडिया ऐसे वीजा नहीं रोक सकता है। देखिए, जस्टिन ट्रूडो के बाप की जागीर तो है नहीं, हमारे बच्चे जब कनाडा में पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनसे बल्क में पैसा लिया जाता है और वो पैसा मुंह पे फेंक करके वहां पर पढ़ता है। ठीक है,
अब उन्होंने वहां पर एक ऐलान कर दिया कि अब इन्होंने भारत वालों ने तो वीजा ही बंद कर दिया है, अब आप लोगों का क्या होगा जो आप पढ़ने आए हैं। तब हमारे यहाँ से एक नोटिस इशू हुआ कि जो भारत के पुत्र हैं, जो भारत की पुत्री है, जो भारत से वहां पर मिसकम्युनिकेशन की वजह से एक ऐसी जगह पर चली गई है जिसका वापस आने में भारत उसकी मदद करेगा, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम किसी भी लम्हे में नहीं होगी, ये नोटिस इशू हुआ है, जिसकी वजह से वहां के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो नॉर्मल हैं, उनको पता है कि भाई ये दो देशों के आपस का प्रॉब्लम है, इससे भारत हमें सेफ्टी से निकालेगा। ठीक है, ठीक अब इसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि आने वाले मेरे ख्याल से 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर लिबरल पार्टी या तो जस्टिन ट्रूडो से माफी मंगवाएगी भारत के प्रधानमंत्री से, और या तो फिर लिबरल पार्टी उनसे जो डिमांड कर रही है 22 मिनट पहले, उनकी मीटिंग अभी भी चल रही है क्योंकि हमारे टाइमिंग में डिस्टेंस है। है, तो उनकी मीटिंग जो चल रही है कि हो सकता है कि उनको रिजाइन भी करना पड़े जस्टिन ट्रूडो का। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि जस्टिन ट्रूडो ने भारत से पंगा लेकर के अपनी पॉलिटिकल करियर को डेवेस्टेट किया है, रुइन नहीं किया है, डेवेस्टेट।